ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 7 मई 2019, मंगलवार का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया अभूज मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया एक प्रकार का ऐसा मुहूर्त होता है जिसे सब में बड़ा मुहूर्त माना गया है, यानी इसे महामुहूर्त भी कहा जा सकता है। बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक या नया काम आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को सबसे पहले अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, या फिर अक्षय तृतीया की कथा क्या है ये भी जानना चाहते हैं, तो हमने हमारे चैनल पर आपके लिए वीडियो प्रस्तुत किया है, जिसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। रोहिणी नामक नक्षत्र एवं वृषभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। इस दिन सबसे खास बात यह रहेगी कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे, वहीं ग्रहों के सर्वश्रेष्ठ और सुंदर ग्रह चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। वहीं ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे शुक्र जो कि अपनी उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे। तो तीन तीन ग्रह उच्च राशि में रहेंगे और दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध मेष राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ इन 7 राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग इनके लिए बनने वाले हैं। तो मित्रों अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल एवं इनके लिए उपाय बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। खुद को समय दे, सोचे हुए काम पूरे करने की कोशिश करें। आज आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। सकारात्मक तरीके से आप काम और मेहनत करेंगे तो आपको मान सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। घर परिवार के मामले सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी से मदद मिलेगी। कारोबार और नौकरी में दिन भर आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन शांति से व्यतीत होगा। कुछ लोगों को आपकी जरूरत होगी। सामाजिक तौर पर आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा और लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। ऑफिस में चल रही राजनीति से आप दूर रहेंगे तो साथ के लोग आपका सम्मान करेंगे। पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा। सामाजिक समारोह में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। और उपाय के रूप में यदि देवी लक्ष्मी जी को आप पीले रंग का कोई भी पुष्प यानी फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मेहनत का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा। सोचे हुए काम पूरे कर ले। यात्रा का योग बन रहा है। दिन भर उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश करें। घर परिवार के काम निपटा ले। हो सकता है आपको रिश्तों में सुधार या घर के सामान की मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। मेहनत का परिणाम आपको प्राप्त होगा। घर परिवार के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से भी आपको मदद प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर के पुजारी को यदि गेहूं का दान करते हैं तो दिन आपका शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको कुछ नया और सकारात्मक सोचना चाहिए। धन लाभ का योग है। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। बातचीत का तरीका अच्छा रखें। मन की बातें लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। किसी तरह का निवेश करने का मन बनेगा और किसी विशेष कार्य के लिए किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपको प्राप्त होगी। आपके ज़्यादातर फैसले सही साबित होंगे। किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप हरी सब्जी का दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आत्मविश्वास आपका बढ़ सकता है। आपका ध्यान परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर रहेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पैसे कमाने के अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे जो आप में एक नया जोश भर देंगे। थोड़ी सी कोशिश से आप पैसों से जुड़ा या कोई भी ऐसा काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ है उसको भी आप सुलझा लेंगे। घर परिवार में कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित होगी। नई शुरुआत का आनंद लें। साथ ही खर्चों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। संयम और धैर्य से काम करना आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। नया प्रोजेक्ट, नई योजना आप बनाने के लिए तैयार रहेंगे। बेरोजगार यदि है तो रोजगार के कोई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। नई नौकरी मिलने का योग है। पैसों और कैरियर की स्थिति मजबूत करने के कई अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। सकारात्मक स्थिति में रहेंगे तो आपको कार्य करने के अच्छे मौके मिलेंगे। आप किसी ऐसे काम के लिए जो है आज स्वीकृति दे सकते हैं जो फिलहाल आपको कठिन नजर आ रहे हैं, यानी जो असंभव लग रहा है वो भी काम आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रुकावटें और अनसुलझे मामलों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको अपने कामकाज से जुड़े नए नए सुझाव भी प्राप्त होने वाले हैं। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलने से पहले एक इलायची खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अपने मन की भावना और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही दोस्त परिवार और साथ काम करने वाले लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। दिन भर व्यस्तता रहेगी। पसंदीदा काम निपटाने में आपका समय व्यतीत होगा। दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी। नए काम की आप प्लानिंग कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप चावल खरीद करके घर लाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दें। कोई पार्ट टाइम काम भी आपको मिल सकता है। सामाजिक जीवन में गति आएगी। नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती होगी। बड़ी प्लानिंग करने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई शुरुआत करने के लिए सही समय है। पदोन्नति के योग है। कार्यस्थल पर मदद मिलेगी। अच्छे काम के लिए आपका सम्मान भी हो सकता है। अधूरे काम पूरे होंगे। कोई दोस्त या कोई अनजाना व्यक्ति आपको निवेश करने के कुछ अच्छे तरीके भी बता सकता है। आप उत्साही रहेंगे। नए काम करने का मन आपका रहेगा। सुखद और फायदेमंद यात्रा भी आपकी हो सकती है। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के चने की दाल दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको सोचे हुए काम करने के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। बहुत से काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों या रिश्तेदारों के जरिए महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आप जो भी काम शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। आपके कामकाज की तारीफ होगी। कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। पॉजिटिव नजरिया आपके लिए कारगर साबित होगा। दूसरे लोग आपके कामकाज से प्रभावित होंगे। कुछ लोग आपकी कॉपी या नकल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी मिठाई भगवान लक्ष्मी नारायण को चढ़ाएंगे तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप कुछ ऐसे कामों की प्लानिंग कर सकते हैं जिनका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, जो आपको जो है अच्छी सफलता देने वाले साबित होंगे। कामकाज, बिजनेस और करियर से जुड़े कुछ अच्छा काम होने के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका भी मिलेगा। नए अवसरों पर विचार करें। नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं। कुछ लोगों से आज संबंध अच्छे हो जाएंगे। नए अनुभव भी मिलेंगे। चली आ रही पुरानी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि घर से निकलते समय आप गुड़ खा लेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार के लोगों से प्रेम और सम्मान मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। पैसों से जुड़ा और कोई घरेलू मामलों को सुलझाने के लिहाज से दिन अच्छा है। ऑफिस का काम जल्द ही निपटा लेंगे। समझदारी से काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जल्दबाजी न करें, विवाद न करें और संयम से काम करें। जिन कामों को लेकर बेचैन थे वो भी पूरा हो जाएगा। अपना काम समाप्त करने के बाद दूसरों की मदद जरूर करें। पुरानी मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। सोच और व्यवहारिक को संतुलन में रखने का प्रयास करें। किसी पर ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में खर्चा बढ़ सकता है या पैसों को लेकर के आप लापरवाही बिल्कुल न करें, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। और उपाय के रूप में लाल कपड़े में मसूर की दाल रख करके यदि किसी भी जरूरतमंद या भिखारी को दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, कामकाज से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने कामकाज पर आपको ध्यान देना होगा। लोगों की मदद करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पार्टनरशिप के मामलों में आपको फायदा होगा। रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो सकता है। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। और उपाय के रूप में यदि आप काली चींटियों को थोड़ा सा शक्कर और आटा मिला करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।